तुम्हारी सेवा और सत्कार से अभिभूत हुए पुत्री, परंतु तुम चिंतित दिख रही हो। कोई समस्या बताओ, हम कोई सहायता कर सकते हैं? आपकी सेवा मेरा धर्म था ऋषिवर, और धर्म पालन के बदले में मेरा कुछ लेना उचित नहीं। जो सेवा तुमने हमारी की वह तुम्हारा कर्म था, और अब जो तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हारा कर्म फल होगा। पुत्री बताओ तुम्हें क्या फल चाहिए? ऋषिवर, मुझे किसी के लिए 7 पवित्र नदियों का जल चाहिए। बस इतनी सी बात पुत्री, अपनी अंजलि आगे बढ़ाओ पुत्री। पाप हरिणी माँ गंगे, हर हर गंगे, ब्रह्मपुत्री ज्ञान देवी माँ सरस्वती, यम की अनुजा कालिंदी मेरी प्रिय माँ यमुना, माँ नर्मदा, माँ सिंधु, माँ गोदावरी, माँ कावेरी। इस संसार को पवित्र करने वाली सभी नदियों को कृष्ण का प्रणाम। पुत्री राधा, ये जो तुम्हारे हाथों में 7 नदियों का पवित्र जल है, इसे तुम जहां रखोगी वहां एक कुंड बनेगा। धन्यवाद ऋषि। देखो, मैं तुम्हारे लिए 7 नदियों का पवित्र जल ले आई। देखो कृष्ण, मैं ले आई 7 नदियों का पवित्र जल। अब तुम्हें मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा। जल तुम लाई तो तुम ही करो तुम्हारे हाथों से मुझे शुद्ध। राधा के पुण्य से संचेत ये कुंड लोग अनंत काल तक राधा कुंड के नाम से जानेंगे। मुझे पवित्र कर ही दिया राधा, तो अब घर चलें।
भला कृष्ण राधा से दूर कैसे रह पाएंगे? राधे जहां राधे वहां श्याम तो होंगे। राजा कुंड के समीप बना ये कुंड श्याम कुंड कहलाएगा। अब अपनी राधा से मिलन के बिना श्याम तो ऐसे ही हैं, अधूरे। अब यदि कुंड शरीर है तो प्राण है जल, और कृष्ण के प्राण तो राधा में ही बसते। श्याम कुंड है ये आधा, जो न जल बन आए आधा, प्रेम का अध्याय आधा, बिना कृष्ण राधा, राधा प्रेम की पावन गाथा, कृष्ण की धरोहर है। बाबा, कृष्ण का शुद्धिकरण हो गया, उसने सातों पवित्र नदियों के जल से स्नान कर लिया। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। किंतु कान्हा, ये सब इतने शीघ्र कैसे हुआ, और तुम उन सात पवित्र नदियों के पास पहुंचे कैसे? राधा के पुण्य ने मुझे पवित्र किया। राधे। किंतु कैसे? मैं बताती हूँ बाबा। हम तुम्हारी सेवा और सत्कार से अभिभूत हुए पुत्री। फिर मुझे सातों नदियों का पवित्र जल मिला और मैंने कृष्ण को पवित्र कर दिया। राधा पुत्री, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे कारण मेरे परम मित्र और यशोदा भाभी अपने पुत्र के वियोग की पीड़ा से मुक्त हुए। राधा, समझ में नहीं आता कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पर। धन्यवाद कैसा काकी? मैंने आप पर नहीं, स्वयं पर उपकार किया है। मैं स्वयं नहीं चाहती थी कृष्ण मुझे छोड़कर जाए। वो कृष्ण मेरा मित्र है ना, इसलिए। राधा, आज बहुत शुभ दिन है। आज सिर्फ पूर्णिमा नहीं, महापूर्णिमा है। आज तो महापूर्णिमा की रात्रि है। तो जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है राधे। आज होगा सबसे बड़ा महाराज।